इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, न्यू लेक्चर है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो उसमें से कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं कि अगर ए आपकी मैट्रिक्स है, बी आपकी अनदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई एन। अगर बी आपका ये कंडीशन को फुलफिल करता है कि ए इंटू बी बोल लो या बी इंटू ए बोल लो, वो आई एन के इक्वल आ जाए, तो आपका बी जो है वो असल में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। ये डेफिनेशन है कि अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो आपका जो बी है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब बी बोल लें या ए इनवर्स बोल लें हम, वो होता क्या है, वो क्या होता है कि वन अपॉन रेसिप्रोकल में आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो ए की होती है, तो वो, या अगर शॉर्ट में लिखें तो वन अपॉन ए, मतलब एकदम सिंप्लीफाई करके एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपका होता है, आपका होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, ट्रांसपोज करो। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर निकालेंगे हम सारे और उसमें माइनस एड, मतलब साइन एड नहीं होगा, उतने डिटेल में नहीं आना, मतलब आपने अगर सीख लिया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं तो बस आपको एडजॉइंट निकालना है और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, ये आपका इनवर्स हो गया। तो इसमें केस क्या आता है कि अगर कोई कहे कि यार डिटर्मिनेंट तो जीरो है और जीरो नीचे आ गया, वो आपका इन्फिनेट हो गया, okay, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपका ए इनवर्स कि क्या क्या है, नॉट एग्जिस्ट, तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सीधी सी बात, ठीक है, इसमें ज़्यादा बहस वाली बात ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन थी, आप डिवाइड करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट से, तो ए डी माइनस बी सी, तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया शॉर्ट में। और एडजॉइंट क्या होता था, इन दोनों को इंटरचेंज और यहाँ पे एज इट इज बट साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है, ये आपका आ गया ए इनवर्स। एक मैट्रिक्स अगर हम बोलें डायगोनल मैट्रिक्स है एक, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं है, और अगर ये तीनों सेम हो जाते तो ये क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, और अगर ये वन हो जाता तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये है, हमें इसका निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका जो वो होगा वो क्या होगा, डायगोनल का इन्हीं तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेंट, तो हम डिवाइड कर देंगे ए बी सी से, डिवाइड कर दिया। अब हमको निकालना है इसका वो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये चीज़ नहीं यहाँ पे पता भी चल गई, ये मतलब एक ट्रिक है एक तरीके से, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो इसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी एलिमेंट जीरो हो गए हमको पता तभी वो डायगोनल है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, जो ये पहला टर्म है इसको छोड़ के यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बी को छोड़ के ए सी और सी को छोड़ के ए बी, बाकी जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल आएगा, आप बी सी को ए बी सी से, तो क्या गया ए वन बाई ए वन बाई बी और वन बाई सी, यह आपका ए इनवर्स आ गया, इसका ए बी सी है डायगोनल मैट्रिक्स, उसका ए इनवर्स, तो वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी, बाकी सेम रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आई एन का अगर आप इनवर्स निकालेंगे वो आपका आई एन ही आएगा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा क्या है, ये वाला ए बी सी डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका तो हमने देख लिया था, रिवाइज भी कर लेते हैं, क्या होगा, वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी, ठीक है, तो ये आपका यह आ गया ए बी सी वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, हम पीछे भी देख चुके हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स क्या था? ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑर्डर ऑड होना चाहिए, 3 5 7, तो डिटरमिनेंट उसका 0 होगा। और एक छोटा सा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी फॉर एग्जांपल, हम क्या करें उसको के से पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसका इन्वर्स निकालें। अब ये चीज़ आप बोलेंगे कि फिर हम या तो ऐसा करें, और अगर हम ए इन्वर्स पहले निकालें तो हमारा के कहाँ पे अप्लाई होगा, ये ज़रूरी चीज़ है समझने वाली है। तो आपका के कहाँ पे अप्लाई होगा, होगा यहाँ पे? नहीं होगा। आपका के जो होगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका के रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो ये एक अच्छी ज़रूरी पॉइंट है, आप पहले के से मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर रहे हैं और वो किसके इक्वल होगा, आप पहले इन्वर्स कर ले रहे हैं तो फिर के आपका रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो ये चीज़ याद रखनी। या फिर अगर आप के इंटू ए इन्वर्स कर रहे हैं, पहले आपने ए इन्वर्स निकाला फिर के मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या होगा कि आप पहले ए में 1/k करें और फिर उसका इन्वर्स निकालें, ठीक है? तो रेसिप्रोकल में चलता है।